इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जयंती परिवार अलवर राजस्थान। शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जैन जैन के संत प्रखर वक्ता बड़े परम पूजनीय श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। जय जय बड़े परम पूजनीय श्री निर्वेक सागर संधान सागर जी महाराज की। इंदौर के आचार्य श्री विद्या सागर सभागार से सायंकालीन शंका समाधान के कार्यक्रम में अपनी शंकाओं का समाधान गुरुमुख से प्राप्त करें, उसके पूर्व पारस चैनल, जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक एप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को घर में बैठ के देखो सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रभावना समिति सकल जैन समाज इंदौर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के शिष्यों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। दोनों हाथ जोड़ लेंगे, मेरे साथ बोलेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें, उसके पूर्व मैं उन परिवारों के नामों की घोषणा यहाँ से कर रहा हूँ जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है। निर्माण निधि के रूप में पंकज जी, प्रेमचंद जी घाटे, मीना जी, पंकज जी रचित, पंकज जी सोमा जी रचित जी, रुचिका जी अजय आहाना घाटे इंदौर, इन्होंने निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। इसी क्रम में श्रीमान शैलेन जी, शाश्वत जी, सिद्धिशा जैन टीकमगढ़, अरिहंत जैन सुपुत्र, सुनील कुमार जी जैन बेंगलोर, श्री अंकित जी श्रवि शेट्टी कनाडा, श्रीमती रुचिता जैन धर्मपत्नी श्री धर्मवीर जैन न्यू दिल्ली, इन्होंने निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। मैं चाहूँगा इनके भावों के अनुमोदन के लिए जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए इसी क्रम में जिन्होंने सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है ऑनलाइन, स्वर्गीय प्रफुल्ल कुमार जी वर्धमान अहाले की स्मृति में, श्रीमती चित्ररेखा जी, प्रफुल्ल कुमार जी अहाले पुषद यवतमाल महाराष्ट्र, स्वर्गीय सचिन जी, स्वर्गीय सुनीता जी इनकी स्मृति में, श्रीमती सदा रानी जी धनपत्नी, स्वर्गीय शीलचंद जी, सुमन जी, संध्या जी, अंजना जैन दमोह, इन्होंने गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। मैं चाहूँगा इनके सम्मान के लिए आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। इसी क्रम में निर्माण नायक के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया जो पहले गुणायतन में स्तंभ के रूप में जुड़े थे आज निर्माण नायक रूप में जुड़े हैं श्रीमान निशित जी, श्रीमती बबीता जी, अतिशय जी, अयांश जी बेंगलोर, और चाहूँगा इनके सम्मान के लिए आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। गुणायतन स्तंभ के रूप में स्वर्गीय मखमली बाई मानकचंद जी शेट्टी की स्मृति में श्रीमान प्रवीण जी, मधु जी, प्रकाश जी, आवा जी, विपिन जी, सुनीता जी शेट्टी इंदौर, इन्होंने गुणायतन में स्तंभ के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। इनके सम्मान में भी जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए मैं उन सुधी श्रावक को आमंत्रित करूंगा मंच पे, वे आएंगे परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और गुणायतन परिवार की ओर से और धर्म प्रभावना समिति की ओर से हमारे सम्माननीय पुण्यार्जकों का सम्मान करेंगे। सूत्रधार के रूप में श्रीमान अनिल कुमार जी, जगजोत सिंह, श्रीमती लक्ष्मी देवी जी, दीपक जी, अनिल जी जैन दिल्ली हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा, वे आए परम पूज मुनिवर के स्त्री चरण वंदन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। श्रीमान अनिल कुमार जी परिवार दिल्ली, आइए साहब अपने बेटे के साथ यहाँ उपस्थित हैं जिन्होंने आज गुणायतन में ये पहले सूत्रधार थे आज सूत्रधार से स्तंभ के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा। हमारे महोत्सव कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान नवीन जी गोधा ये आएंगे सम्माननीय अनिल कुमार जी परिवार का गुणायतन परिवार और धर्म प्रभावना समिति की ओर से सम्मान का कार्यक्रम सम्पन्न करेंगे और आप जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। और चलते हैं जिन्होंने आज गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है जो पूर्व में निर्माण नायक थे आज ट्रस्टी के रूप में जिन्होंने स्वीकृति प्रदान की है श्रीमती हेमा जी धर्मपत्नी हिमांशु जी प्रति आगम विधिजन यूएसए हमारे बीच उपस्थित हैं। बेबी आए परम पूज मुनिवर के इसी चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। यूएसए से श्रीमती हेमा जी शायद उपस्थित नहीं है, ताली आइए आइए भाई साहब। श्रीमती हेमा जी धर्मपत्नी हिमांशु जी प्रति आगम विधि जैन यूएसए और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा। हमारे यजमान परिवार से श्रीमान मुकेश जी पाटोदी श्रीमणि संरक्षक गुणायतन ये आएंगे, साथ में अशोक जी शास्त्री आएंगे। हमारे श्रीमान श्रीमती हेमा जी परिवार का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान करने के लिए और आप जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। और आइए अगले गुणायतन ट्रस्टी के रूप में आमंत्रित करूंगा
श्रीमान भरत कुमार जी, हिम्मत लाल जी, श्रीमान दीप जी, भरत कुमार शाह बड़ौदरा गुजरात हमारे बीच उपस्थित हैं, जिन्होंने आज गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया, और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा। और हमारे श्रीमती हेमा जी, धनपति हिमांशु जी और ये और भरत कुमार जी, ये दोनों साढ़ू भाई हैं, दोनों ने आज गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, और इनके सम्मान के लिए आवाज दूंगा हमारे आनंद जी, सचिन जी, दिलीप जी और रजनी गोधा, राकेश जी, रजनी गोधा, ये सभी आएंगे सम्माननीय। हमारे भरत कुमार जी, हिम्मत जी सह परिवार, उनका गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे, और मैं चाहूँगा आप जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। और यही चलते हैं हम और आप, आगे के शंका समाधान के कार्यक्रम के संचालन की मैं सम्मान सहित निवेदन करूंगा। सुलक्ष्मी स्वरूप सागर जी महाराज से आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मनी श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। नमोस्तु महाराज। शंका समाधान के आज के सत्र में प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित हैं सीमा जी मुंबई से, और इनके बाद तैयार रहेंगे विजय जी सरावगी कोलकाता, जो कि गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं। हाँ बोलिए। ओम नहीं है जयपुर, दीजिए माइक पहुंचाइए वाले। नमस्तु गुरुदेव। नमस्तु। नमस्तु। मैं बॉम्बे से, मेरे ससुर जी आपका टीवी में ये प्रोग्राम देखते सुबह और शाम, तब मेरी नज़र आपकी भावना योग पे गई, उसका पॉजिटिव रिजल्ट देखा मैंने, कितने जन को बहुत फर्क पड़ा इससे। और आप तो मैंने, मेरे सासू जी जो बिस्तर पे हो गए थे तो उनको मैंने बोला कि आप ये करो चालू, तो आज वो भी चलते फिरते हो गए, उनको बहुत फर्क पड़ा। तो बस तब से मेरे मन में थी कि मैं एक बार आपसे दर्शन करूं और आभार प्रकट करूं और कृतज्ञता रखूं। पर एक बात जरूर बोलूंगी, आपके प्रवचन इतने मोटिवेशनल होते हैं कि हमको हमारी लाइफ में संबल देते हैं आगे बढ़ने के लिए, ना कि पीछे जाने के लिए। और एक बात है, जो आपका भावना योग है वो हमारे लिए इन्हें कषाय से दूर करता है, आड़ ध्यान से दूर करता है, और समय इसको बचाता है, क्योंकि वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है तो हम आपके और धर्म में और आगे बढ़ते उस चीज़ में। तो आपके लिए कृतज्ञता 100% आभार। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। देखिए बहुत अच्छी बात है, आपने भावना योग पर अपना अनुभव सुनाया है, बहुत अच्छा होगा कि आप अपने इस अनुभव को लिख करके भेजें पूरा डिटेल सही, और आपके सास ससुर की रिपोर्ट में जो परिवर्तन आया वो भी साथ में दे रिपोर्ट के साथ, ताकि और लोगों के लिए वो काम में आ सके, और जो आगे भावना योग पर पुस्तक तैयार की जा रही है उसमें उसका उपयोग किया जा सके, है ना। तो आप बिल्कुल करिए अपना नाम पता लेकर के, और आपके माध्यम से मैं सभी से कहता हूँ, जिनको भी भावना योग से किंचित भी लाभ मिला है तथ्यात्मक तरीके से संक्षेप में वो लिख करके भेजे, और अपनी वीडियो बना करके भी भेजे, प्रमाणिक ऐप में डाल दे, ये बहुत लोगों के लिए उपयोगी होगा। और आप चाहते हैं कि पूरे विश्व के लोगों की समस्याओं का समाधान हो, तो जैसे आप स्वयं भावना योग कर रहे हैं वैसे ही और लोगों को भी भावना योग करने के लिए प्रेरणा दें। वर्तमान में भावना योग का एक नया प्रयोग चल रहा है, अभी प्रतिदिन कल से ही भावना योग की शुरुआत हुई है, जो लगातार 3 महीने तक होगी, उन सब लोगों की जांच भी हुई है और समय समय पर उनकी जांच होगी। 3 महीने तक पूरा कोर्स करने के उपरांत उनकी पुनः जांच होगी, और उसके आधार पर एक बहुत अच्छी रिपोर्ट तैयार होगी। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, जो भी लोग उसमें जुड़ रहे हैं उसमें अपनी तत्परता बनाए रखें, नियमितता बनाए रखें, ताकि उससे एक तथ्यात्मक रिपोर्ट पहुंच सके। सभी को आशीर्वाद। मैंने अभी आज बुक्स खरीदी और सब 8-10 बुक्स ली और सबको देने के लिए, और एक किडनी का प्रॉब्लम हुआ तो उनको भी, कितनों को मैं बोलती भावना योग करो, भावना योग करो। आप अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखेंगे विजय जी सराव की कोलकाता, जो कि गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं, और धर्म प्रभावना समिति उनका वहीं जाकर सम्मान कर दें। अगले प्रश्न के लिए तैयार हैं डॉक्टर सुहास मोनिका जी शाह मुंबई। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु भगवान। भगवान मेरा प्रश्न है, यदि आत्मा का अस्तित्व है वो अविनाशी है, तो भला वो नाशवान शरीर में कैसे वास करती है और हमें दिखाई क्यों नहीं देती? क्या वास्तव में आत्मा होती है? आत्मा का स्वरूप अविनाशी है तो नाशवान शरीर में कैसे प्रवेश कर गई? मैं आपसे पूछता हूँ, घी मूल तक इसमें मिलता है,
घी किस में मिलता है? माइक्रो दूध में। दूध में किसी ने घी को मिलाया? नहीं। जब घी का स्वरूप अलग है, दूध का स्वरूप अलग है, तो वह घी दूध में मिल कैसे गया? बोलो, ये स्वभाव से मिला है। ऐसी आत्मा अनादि से अमूर्त अविनाशी है, लेकिन अमूर्त अविनाशी होने के बाद भी वो आत्मा ये अनादि से मूर्त कर्मों से संबद्ध होने के कारण जब भी उपलब्ध है, शरीर सहित उपलब्ध है। ऐसा कोई योग नहीं जब आत्मा अमूर्त था और वो अशरीरी था और बाद में उसने शरीर को धारण किया। अनादि से जब भी आत्मा इस संसार में है, शरीर सहित ही है। भले स्थूल शरीर छूट जाए, सूक्ष्म शरीर का संसर्ग नहीं छूटता। तो सूक्ष्म और स्थूल शरीर जब तक है तब तक संसार है। जब हम इस शरीर से मुक्त होते हैं तभी मुक्ति की प्राप्ति होती है ना। अपना प्रश्न गुरुजी। हेलो, नमस्ते महाराजश्री। महाराजश्री, जैसा कि ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि एक मंगली की गैर मंगली के साथ शादी नहीं हो सकती, समाज में भी मंगली को लेकर कई प्रचलित बातें हैं। अगर मंगली की गैर मंगली के संग शादी हो जाती है तो शादी के बाद बोलते हैं एक की मृत्यु होना निश्चित है, क्या ये सब वास्तविकता है या फिर झूठ का खेल है? जो मंगली नहीं है वो अमर है क्या, पहले ये बताओ। एक की मृत्यु होना निश्चित है तो जो गैर मंगलिक हैं और दोनों गैर मंगलिक हैं उनकी जोड़ी अजर अमर है? ऐसी कितनी जोड़ियां हैं जिनमें से दो की अर्थी एक साथ उठी, और कौन चाहता है कि दो की अर्थी एक साथ उठे? बोलो, चाहते हो क्या? तुम तो मंगली नहीं होगे, पर क्या चाहते हो? दोनों एक साथ जाए, एक साथ जिए तो चाहते, पर एक साथ जाए कोई नहीं चाहता। संसार की रीत है। अब ज्योतिष को देखोगे और ज्योतिषी से परामर्श लोगे तो ज्योतिषी तो वही बोलेगा जो ज्योतिष का शास्त्र बोलता है। तुम ज्योतिषी के पास परामर्श भी लेना चाहते हो और ज्योतिष को मानना भी नहीं चाहते। जब ज्योतिष को मानते ही नहीं तो ज्योतिषी के पास जाते क्यों? जाओ ही मत, पैसा भी बचेगा, दिमाग भी ठीक रहेगा। और चले गए और फिर पूछो, अब वो तो बता दिया, कर दिया, अरे जाना ही तो गड़बड़ है। इसलिए या तो परामर्श ही मत लो, अब परामर्श लिया है तो मान लो, नहीं तो दिमाग में चल रहे, समझ गए? इसलिए मैं तो कभी कहता ही नहीं कि जन्म पत्री मिलाओ, मेंटल वाइब्रेशन मिलाओ, लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को मिले और देखते ही एक दूसरे के दिल में छा जाए, समझ लेना जन्म पत्री मिल गई। ये सबसे बड़ी कुंडली है। बाकी मैंने ऐसे बहुतों को देखा है जिनके 36 गुण मिले और 36 के आंकड़े ऐसे होते हैं। और बहुत से ऐसे भी देखे जिन्हें कुंडली नहीं मिलाई पर जिंदगी बहुत अच्छे से मिल गई। तो इसलिए इन बातों को बहुत गंभीरता से देखना चाहिए और उसी अनुरूप अपना संपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अपना प्रश्न रख रहे हैं डॉक्टर सुहास मोनिका जी शाह मुंबई से, और अगले प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे बालचंद जी जैन अतिशय क्षेत्र बलहरी संपूर्ण कमेटी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इनका सम्मान तीर्थ समेत धर्म प्रभावना समिति यहीं पर आकर कर दें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु, नमोस्तु। सम्मान के लिए रजनी जी गोधा। महाराज श्री, 3 महीने से हम लगातार 48 मिनट की भावना योग कर रहे हैं पूरे परिवार, और इतना लाभ मिल रहा है उसके हम कल्पना नहीं कर सकते। भावना योग का मैं सबको कहूँगा कि सबने अपने नियमित नियमावली में भावना योग के लिए समय निकालना चाहिए और भावना योग करना चाहिए। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि तीर्थंकर भगवान का विहार होता है तब भगवान तो ऊपर से ही विहार करते हैं, मगर उनके साथ में जो मुनि महाराज है और पूरे श्रावक है, उनका उनके समोशरण में विहार कैसे होता है, और वहाँ तीर्थंकर भगवान कहाँ जा रहे हैं उनको कैसा पता चलता है? देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार डॉक्टर साहब का जोरदार करतल ध्वनि से आप लोग अभिनंदन करें। ये हमारे देश के एक बहुत बड़े चिकित्सक हैं, ये माइक्रो सर्जन हैं और बहुत बड़े आर्थोपेडिक सर्जन हैं, समझ गए? और इसके साथ साथ दोनों दंपति व्रती हैं, प्रतिमाधारी हैं, व्रतों की आराधना के साथ अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ रहे हैं। और आपने अभी सुना, एक चिकित्सक होने के बाद भी
ये नियमित भावना योग कर रहे हैं 48 मिनट का, और उसका अनुभव भी आप सबके बीच इन्होंने साझा किया है। निश्चित भावना योग का एक अभिनव प्रयोग है, और जो भी इसका लाभ ले रहे हैं उनके जीवन में आश्चर्यजनक परिणाम आ रहे हैं। आपका जो सवाल है कि भगवान का विहार ऊपर 5000 धनुष होता है तो मुनिराज और अन्य लोग कहाँ रहते हैं, देखिए भ्रम निकाल दीजिए। भगवान का विहार ऊपर नहीं होता, भगवान का विहार धरती पर होता है। हरिवंश पुराण के अनुसार धरती से एक हाथ ऊपर। आचार्य समंत भद्र महाराज ने लिखा, भूरपि रम्या प्रतिपद मासी जात विकोसा मुझिहासा। जहाँ जहाँ भगवान के चरण कमल पड़े उस जगह की धरती भी अत्यंत रमणीय हो गई। तो भूरपि रम्या प्रतिपद मासी जात विकोसा मुझिहासा, ऐसा जैसे कि अभी तुरंत तुरंत कमल खिला है और उसकी मृदु हास जैसे निकल रहे वैसे। इसलिए ऐसा बिल्कुल मत समझना, भगवान का विहार स्वाभाविक होता है और विहार के काल में वो धरा पर विचरण करते हैं और उनके पीछे पूरा क्रम होता है, और उसी क्रम में मुनिराज होते हैं, आरिका होते हैं, श्रावक श्राविकाएँ होते हैं, राजा महाराजा होते हैं, पशु पक्षियों का सैलाब होता है। बहुत जल्दी जब आप गुणायतन में देखेंगे तो भगवान के बिहार का जीवंत दृश्य भी अपने आंखों से देख पाएंगे। मोनिका जी, हाँ। नमोस्तु भगवान। महाराज श्री सीता के जीव ने जो कर्म बांधे थे उस वजह से उनको वनवास जाना पड़ा, उस समय निमित्त बने राम का जीव। तो मुझे ये पूछना था कि जो जीव कर्म बांधता है उसे तो भुगतना पड़ता है, लेकिन उस समय जो निमित्त है उनके ऊपर भी वो कार्य करता है, क्योंकि राम के जीव को बाद में बहुत पछतावा हुआ ऐसा पद्म पुराण में आता है, तो उस समय का निर्णय सीता के कर्म के वजह से उनको लेना पड़ा। देखिए कई बार, एक बार मेरे पास सवाल आया कि चलिए सीता जी के विषय में तो आया कि उनने गलतफहमी वश निर्दोष को लांछित किया, तो निर्दोष होने पर भी उनको लांछित होना पड़ा। लेकिन रामचंद्र जी ने ऐसा क्या कर्म किया था जो उनको वनवास जाना पड़ा? किसी पुराण में ऐसा आया? बोलो। किसी पुराण में देखने को नहीं मिलता कि रामचंद्र जी ने किसी जीवन में कोई गलती की हो जिसके फलस्वरूप उन्हें वनवास जाना पड़ा। कहीं मिला है? आप भी स्वाध्याय करते नहीं ना। अब इसके सपोर्ट के लिए एक दूसरा उदाहरण भी मैं आप सबके बीच रखता हूं कि पारसनाथ भगवान का 10 भवों का पूरा रिकॉर्ड निकाल लो, उनने कोई गलती की नहीं ना। 10 जन्म के ज्ञात इतिहास में पारसनाथ भगवान ने एक भी गलती नहीं की, फिर भी उनके सामने विपरीत प्रसंग और विपरीत परिस्थितियां निर्मित हुई क्यों? ये बड़ा अहम प्रश्न है, और इस प्रश्न के समाधान में हमें कर्म सिद्धांत का ज्ञान मिलता है। ये धारणा हटा दीजिए कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटता है वह केवल कर्म फल का संयोग है। कर्म फल का संयोग तो हमारे जीवन में घटता है, लेकिन जो कुछ भी घटता है वह सब केवल कर्म फल का संयोग ही नहीं है, बहुत सारी घटनाएं अन्य संयोगों से घट जाती है। रामचंद्र जी के साथ ये सब कुछ हुआ वह एक संयोग था, और मैं तो समझता हूं ये संयोग नहीं होता तो रामचंद्र जी राम नहीं बने होते। ये बताओ, रामचंद्र जी का वनवास नहीं होता तो क्या होता? वो अयोध्या के राजा बनते, यही होता है ना। और अयोध्या के राजा बनते तो रामायण भी नहीं बनती, तो वो अयोध्या के राजा बनते जन जन के राजा नहीं बन पाते। तो रामचंद्र जी राम बन पाए क्यों? क्योंकि वे वन गए। तो राम वन गए इसलिए राम राम बन गए, है ना। ये संयोग था, उनके साथ संयोगों ने ऐसा योग बनाया
उस संयोग ने मथुरा का मथुरा जैसे पात्र को उत्पन्न किया और कैकेयी की मति फेरी। ये संयोग था। तो बहुत सारे ऐसे संयोग बनते हैं। सीता जी के लांछित होने के लिए तो एक बात कहा जाता है, लेकिन सीता जी का अपहरण क्यों हुआ, इसका कोई कारण मिला क्या पुराणों में? नहीं हुआ ना। लेकिन ये भी एक संयोग था, सीता का अपहरण नहीं होता तो रावण का हनन नहीं होता। तो रावण का अंत होना था, इसलिए नियति ने ऐसे संयोग बना दिए। इसलिए हर बात को केवल कर्म कर्म से मत जोड़ो। कोई भी संयोग हो, चाहे इष्ट हो या अनिष्ट, शुभ हो अथवा अशुभ, सब संयोगों को संयोग मानकर स्वीकार करो और इष्टानिष्ट संयोग वियोग में समता भाव को धारे। यही हमारा परम धर्म है और इसमें ही हमारा जीवन। धर्म प्रभावना समिति वहीं पर जाकर उनका सम्मान कर दें। और प्रश्न रख रहे हैं बालचंद जी जैन, और अगले प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे दिनेश कुमार जैन, सुषमा जैन एडवोकेट झारखंड से। अच्छे छेद बिलहरी एवं गुणायतन छेद प्रणेता पूज गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में पूरी बिलहरी जैन समाज की बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरे मन में दो तमन्नाएं थी। पहली तमन्ना थी कि अदसे छेद बिलहरी एक भव्य तीर्थ छेद के रूप में विकसित हो, और वह आपकी प्रेरणा से पूर्ण हो चुका है। और महाराज श्री, दूसरी तमन्ना है, इस विषय में मेरी एक सज्जन से बहस भी हो गई। मेरे मन में बात आई कि गुरुदेव प्रमाण सागर जी का चातुर्मास अदसे छेद बिलहरी में हो, तो उसने कहा कि गुरुदेव प्रमाण सागर जी का चातुर्मास अदसे छेद बिलहरी में कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अब वो बहुत बड़े साधु हो गए हैं और उनको बड़े शहर चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि एक बार अदसे छेद बिलहरी में गुरुदेव का चातुर्मास होगा होगा होगा। और गुरुदेव, आपसे हम पूरी बिलहरी जैन समाज की विनती है कि आप हम लोगों की ये तमन्ना को जरूर पूरा करना। पहले तो मैं चाहूँगा इन सभी युवा और कर्मठ कार्यकर्ताओं का जोरदार अभिनंदन करें। बंधुओं, ये बहुत थोड़े से लोग हैं, लेकिन इन थोड़े से लोगों ने जो काम किया है, ये बड़े बड़े लोग भी नहीं कर सकते। बिलहरी कटनी से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटा सा स्थान है, जो कभी मंदिरों की नगरी के रूप में जाना जाता था। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ की जो सड़क बनी है वो मूर्तियों के अवशेषों से बनी। एक ज़माने में वहाँ 100 से अधिक मंदिर थे, आज भी 20 मंदिर के अवशेष वहाँ दिखाई पड़ते हैं। और वहाँ भूगर्भ से 32 जिन बिंब प्रकट हुए थे, जिनकी प्रतिष्ठा 2020 दिसंबर में हमने कराई, और वो मंदिर आज भव्य स्वरूप को प्राप्त किया हुआ है। और मैं आप सबसे ये भी कहना चाहूँगा, भारत का एकमात्र ऐसा जिनालय जिसमें विश्व के सबसे प्राचीनतम बाहुबली भगवान की दो प्रतिमाएं, 8वीं शताब्दी की प्रतिमाएं, अद्भुत है, आप जरूर दर्शन करें। जिन लोगों ने भी अभी तक अदसे छेद बिलहरी का दर्शन नहीं किया, उन्हें एक बार अपने यात्रा के क्रम में जरूर जाना चाहिए। वहाँ आपको एक अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति होगी। उस क्षेत्र के प्रभाव का आप इससे ही अंदाज लगा ले कि 5 घर की समाज में हम दर्शन करने भर गए थे, और कितने 45 दिन रुक करके आए, समझ गए। अब रहा सवाल तुम्हारे निवेदन का, तो भैया प्रमाण सागर तो 5 फुट 6 इंच के पहले थे, आज भी 5 फुट 6 इंच के ही हैं, कोई अंतर नहीं है, वो जितने थे उतने ही हैं। अब पता नहीं तुम्हारे नज़र में बड़ा होने का मतलब क्या होता है।
हम तो यही जानते हैं न कोई स्थान बड़ा होता है न कोई स्थान छोटा होता है। मैं तो समझता हूँ जिसकी भावना बड़ी होती है छोटा स्थान भी बड़ा बन जाता है। दिल बड़ा रखो, और बिलहरी वालों का दिल बड़ा है हमने देख लिया है। तभी तो एक दिन के लिए गए और 45 दिन रुक कर आए। और ये भी आप लोगों को सुन कर के अच्छा लगना चाहिए कि 45 दिनों में इन लोगों ने जो व्यवस्थाएं की, सैकड़ों लोग आए उनको हाथों पर लिए। और जो पंचकल्याणक हुआ वो बहुत भव्यता के साथ संपन्न हुआ। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए ये सब लोगों से मत करो। हम तो सभी से कहते हैं तुम्हें जो करना है उसकी भावना भाव, उसके लिए प्रयास करो, लोगों से बातें मत करो। बातें करने से काम नहीं होता, प्रयत्न करने से परिणाम निकलता है। इसलिए हम लोग बातें करना बंद करें, प्रयत्न करना जारी रखें। और बुंदेलखंड में एक कहावत है, जब भाग मारे जोर तो कोदो नींदे चोर। अब कहावत पूरी सुनाएंगे तो टाइम निकल जाएगा, इसलिए अपने भाग्य को प्रबल बनाइए। आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुजी। अपना प्रश्न गुरु चरणों में रख रहे हैं दिनेश कुमार जैन, श्रीमती सुषमा जैन एडवोकेट झारसुगुड़ा उड़ीसा से। और अगले प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे श्रीमती हेमा हिमांशु जैन यूएसए, जो आज ही गुणायतन ट्रस्टी बने हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। भारत के मूल संविधान में पंथ निरपेक्ष इसका व्यवहार किया गया था। कालांतर में पंथ निरपेक्ष को बदलकर धर्म निरपेक्ष कर दिया गया, और जब से धर्म निरपेक्ष शब्द को संविधान में जोड़ा गया तब से आज तक एक सतत बहस चल रही है कि राजनीति से धर्म को दूर रखा जाना चाहिए। इसी पृष्ठभूमि में मेरा प्रश्न है, धर्म रहित राजनीति सत्ता क्या समाज और राष्ट्र के कल्याण में साधक बन सकती है? सबसे पहली बात मैं आपसे कहता हूँ कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र चल ही नहीं सकता। आप पंथ निरपेक्ष कह सकते हो, धर्मनिरपेक्ष तो चल ही नहीं सकता। धर्म है क्या? अहिंसा। अहिंसा को आप हटा दीजिए, राष्ट्र चल जाएगा। सत्य निष्ठा को हटा दीजिए, क्या राष्ट्र चल जाएगा? अहिंसा और सत्य ही तो धर्म है। इसकी उपेक्षा करके हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो लोगों की बुद्धि की बलिहारी है, जिन्होंने शब्द के मूल अर्थ को न समझकर इस तरह की व्याख्याएं कर दी। पंथ निरपेक्षता समझ में आती है, धर्म निरपेक्षता समझ से परी है, परे है। धर्म के अभाव में न राष्ट्र चल सकता है, न समाज चल सकता है, न जीवन चल सकता है, क्योंकि धर्म ही वह मूल तत्व है जो पूरे समाज को अनुशासित करता है। समझ गए? तो ये धर्म को अपनाना चाहिए। और धर्म में हमारा एक आत्मधर्म है और एक हमारा राष्ट्र धर्म भी है, तो उस धर्म को तो हमें अपनाना ही चाहिए। राष्ट्रीयता राष्ट्र धर्म का आधार है, इसलिए हम इसे उपेक्षित कैसे कर सकते हैं? जहाँ तक सवाल है राजनीति में धर्म का प्रवेश होना चाहिए या नहीं, तो मैं कहता हूँ राजनीति में धर्म जुड़ना चाहिए, पर धर्म को राजनीति से दूर रखना चाहिए। राजनीति में धर्म जुड़ना चाहिए लेकिन धर्म को राजनीति से दूर रखना चाहिए। राजनीति से जब धर्म जुड़ता है तो रामायण की रचना होती है, और धर्म में जब राजनीति प्रविष्ट होती है तो महाभारत मचता है। समझ गया? देश को रामायण की जरूरत है। राजनेताओं को अपनी नीति मत्ता को बनाए रखने के लिए धर्म गुरुओं की शरण जरूर लेनी चाहिए। और भारत की ये परंपरा रही कि बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने भी धर्म गुरुओं की शरण में जाकर अपना राज चिन्ह उठाकर उतार कर उनके चरणों में नतमस्तक हुए और उनसे राष्ट्रोत्थान का मार्ग पाया है, संदेश पाया है, परामर्श लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने
अब कहावत पूरी सुनाएंगे तो टाइम निकल जाएगा, इसलिए अपने भाग्य को प्रबल बनाइए। आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुजो। अपना प्रश्न गुरु चरणों में रख रहे हैं दिनेश कुमार जैन, श्रीमती सुषमा जैन एडवोकेट झारसुगुड़ा उड़ीसा से, और अगले प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे श्रीमती हेमा हिमांशु जैन यूएसए, जो आज ही गुणायतन ट्रस्टी बने हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। भारत के मूल संविधान में पंथ निरपेक्ष इसका व्यवहार किया गया था। कालांतर में पंथ निरपेक्ष को बदलकर धर्म निरपेक्ष कर दिया गया, और जब से धर्म निरपेक्ष शब्द को संविधान में जोड़ा गया तब से आज तक एक सतत बहस चल रही है कि राजनीति से धर्म को दूर रखा जाना चाहिए। इसी पृष्ठभूमि में मेरा प्रश्न है, धर्म रहित राजनीति सत्ता क्या समाज और राष्ट्र के कल्याण में साधक बन सकती है? सबसे पहली बात मैं आपसे कहता हूं कि धर्म निरपेक्ष राष्ट्र चल ही नहीं सकता। आप पंथ निरपेक्ष कह सकते हो, धर्म निरपेक्ष तो चल ही नहीं सकता। धर्म है क्या? अहिंसा। अहिंसा को आप हटा दीजिए, राष्ट्र चल जाएगा। सत्य निष्ठा को हटा दीजिए, क्या राष्ट्र चल जाएगा? अहिंसा और सत्य ही तो धर्म है। इसकी उपेक्षा करके हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो लोगों की बुद्धि की बलिहारी है, जिन्होंने शब्द के मूल अर्थ को न समझकर इस तरह की व्याख्याएं कर दी। पंथ निरपेक्षता समझ में आती है, धर्म निरपेक्षता समझ से परी है, परे। धर्म के अभाव में न राष्ट्र चल सकता है, न समाज चल सकता है, न जीवन चल सकता है, क्योंकि धर्म ही वह मूल तत्व है जो पूरे समाज को अनुशासित करता है। समझ गया? तो ये धर्म को अपनाना चाहिए, और धर्म में हमारा एक आत्मधर्म है और एक हमारा राष्ट्र धर्म भी है, तो उस धर्म को तो हमें अपनाना ही चाहिए। राष्ट्रीयता राष्ट्र धर्म का आधार है, इसलिए हम इसे उपेक्षित कैसे कर सकते हैं? जहाँ तक सवाल है राजनीति में धर्म का प्रवेश होना चाहिए या नहीं, तो मैं कहता हूँ राजनीति में धर्म जुड़ना चाहिए, पर धर्म को राजनीति से दूर रखना चाहिए। राजनीति में धर्म जुड़ना चाहिए, लेकिन धर्म को राजनीति से दूर रखना चाहिए। राजनीति से जब धर्म जुड़ता है तो रामायण की रचना होती है, और धर्म में जब राजनीति प्रविष्ट होती है तो महाभारत मचता है। समझ गया? देश को रामायण की जरूरत है। राजनेताओं को अपनी नीति मत्ता को बनाए रखने के लिए धर्म गुरुओं की शरण जरूर लेनी चाहिए। और भारत की ये परंपरा रही कि बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने भी धर्म गुरुओं की शरण में जाकर अपना राज चिन्ह उठाकर उतार कर उनके चरणों में नतमस्तक हुए और उनसे राष्ट्रोत्थान का मार्ग पाया है, संदेश पाया है, परामर्श लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की शरण की पाई और देश में इतने बड़े साम्राज्य को स्थापित किया। तो ये हमारे देश की संस्कृति है, हमारी पहचान है, परंपरा है, हमें इसे कायम रखकर चलना चाहिए। अपना प्रश्न गुरु चरणों में रख रहे हैं श्रीमती हेमा हिमांशु जैन यूएसए, और साथ में ही आज भरत भाई हिम्मत भाई शाह बड़ौदा से, जो दोनों आज गुणायतन ट्रस्टी बने हैं, और इनके बाद तैयार रहेंगे कपिल जैन सिंगापुर। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। ओ, मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, जब हम दाना पक्षियों के लिए डालते हैं तो पक्षियों के बजाय गिलहरी आके खा जाती है और पक्षियों को खाने देती, तो क्या करना चाहिए हमें? थोड़ा ज्यादा डाल देना चाहिए ताकि गिलहरी का भी पेट भर जाए और पक्षी भी जीवित। वो सब खाना गिलहरी खा जाती वहां से हटती। थोड़ा ज्यादा खिला लो, कितनी गिलहरियां आ जाए, थोड़ा ज्यादा डाल लो, गिलहरी का भी पेट भर जाए और पक्षियों का भी भर जाए। दिक्कत तो तब होती जब गिलहरी पक्षियों को खाए या पक्षी गिलहरी को खाए।
ना तो पक्षी गिलहरी को खाते हैं, ना गिलहरी पक्षी को खाते, दोनों दाना खाते हैं। इतना डाल दो कि जी भर करके दोनों का सजन गोठ हो जाए, आराम से खा ले, क्या बुरा है। हम लोग जहाँ पे रहते हैं, शिकागो से हूँ मैं, तो वहाँ पर बर्ड फीडर आता है जिसपे हम लोग बर्ड फूड रख देते हैं। हाँ, बहुत सुंदर। तो बैठने नहीं देती पक्षियों को, पक्षियों को नहीं बैठने देती ना, तो बर्ड फीडर एक्स्ट्रा लगा दो ना बाबा, दो लगाया, चार लगाया, दस लगा दो, बीस लगा दो, चलो वो ट्राई कर, रास्ता निकल सकता है कि नहीं निकल सकता। बर्ड फीडर तो लगाना ही चाहिए, भारत में भी लोग लगाने लगे हैं और लगाना चाहिए सबको अपने घरों में पक्षियों के लिए दाना। बहुत सुंदर बर्ड फीडर आता है हमारे वहाँ अजमेर चातुर्मास में, इसको प्रवर्तित कराया गया था डॉक्टर के एम गंगवाल के माध्यम से, हजारों लोगों ने अपने अपने घरों में लगाया। और आज वो अनुभव बताते हैं कि बहुत अच्छा लगता है जब सब प्रकार के पक्षी और चिड़ियाँ आती। तो बर्ड फीडर के लिए आप अपने घरों में लगाइए और पक्षियों को पानी भी मिले ये व्यवस्था करें। और कुछ लोगों ने तो पक्षियों के लिए अंडे देने को घोंसला भी अपने घरों में लगा रखा है, आप जरूर दें ताकि पक्षी आपके मित्र बनकर आपके साथ रह सके। पानी की व्यवस्था की है महाराज, बिल्कुल, बहुत सुंदर। भरत भाई प्रश्न रखना चाहते, हो गया प्रश्न, अपना प्रश्न गुरु चरणों में रख रहे हैं कपिल जैन सिंगापुर से। कपिल को देर है, जब तक दूसरे को बुला लूं। आ गई, आ गए, आ गए, दो कपिल को दो। कपिल भाई अपना प्रश्न रखें, इनके बाद तैयार रहेंगे मनु जैन भोपाल और साथ में विपुल जैन मऊ, सभी युवा टीम के साथ जो मुनि सेवा में निरंतर लगे हुए हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, सकल सिंगापुर जैन संघ का आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, मैं आज शंका लेके तो नहीं आया, लेकिन मेरे जीवन में कुछ ऐसा बीता भावना योग ने जो मेरा कैसे और आपने किस मतलब हमको संभाला, मतलब मैं वो मतलब बताना चाहूँगा कि प्रियम जो मेरी धर्मपत्नी है उसका 5वां माह चल रहा था गर्भ का, और तब हमें पता चला कि हमारे 2 बच्चे हैं, मतलब ट्विंस हैं, तो जिसमें से एक बच्चे सिंगापुर में रहते हैं, तो वहाँ पे जो वहाँ के सबसे अच्छे गायनोकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बताया कि अब उसका जीवन 7 दिन से 10 दिन का ही शेष बचा है। तब उन्होंने बताया कि ये जो गुड़िया है, एक लड़का था, लड़की थी, तो लड़की का जीवन एक 1 परसेंटाइल ग्रोथ पे ग्रो हो रहा है, मतलब जिसका मतलब ये है कि अगर 5वें महीने में सभी बच्चे 100 ग्राम अगर उनका वजन बढ़ता है तो गुड़िया का वजन 1 ग्राम बढ़ रहा था। तो उसने बोला कि ये सिर्फ 7 दिन से 10 दिन ही रह पाएगी। तब कुछ समझ नहीं आया, तब उन्होंने ये कहा कि ऐसा कीजिए, आप ऑपरेशन करवा लीजिए, तब हम कोशिश कर सकते हैं बच्चों को बचाने की। तो उस समय बिल्कुल बहुत असमंजस में पड़ गई, क्या करें, क्योंकि अगर 5वें महीने का बच्चा अगर हम बाहर निकालते हैं तो उसके ऑर्गन्स भी ठीक से डेवलप नहीं होते हैं, तो उस समय क्या होगा। तब गुरुदेव के चरणों में आए, गुरुदेव से पूछा कि क्या करें, तो गुरुदेव ने कहा जब तक आयु शेष है, मुझे आज भी याद है, जब तक आयु शेष है कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। तब उन्होंने कहा कि ऑपरेशन वगैरह इतना जल्दी ऑपरेशन सही नहीं है। तब भगवान पे आस्था रखी, गुरुदेव के शब्दों पे आस्था रखी, और मतलब वो विचार अपने मन से त्याग दिया 5वें महीने ऑपरेशन करवाने का। उसके बाद गुरुदेव ने कहा कि तुम भावना योग करो, भावना योग पे पूर्ण श्रद्धा के साथ प्रियम ने सुबह शाम भावना योग किया, जो गुड़िया 1 परसेंटाइल ग्रोथ पे ग्रो हो रही थी बस वो किसी तरह ग्रो होती रही। 5वें महीने से 7वां महीना आ गया, समय बीतता गया, मतलब उसकी मॉनिटरिंग जो नॉर्मली लेडीज़ की जो मॉनिटरिंग होती है वो हर 15 दिन में होती है, हर दूसरे दिन होने लगी, गुड़िया आगे बढ़ती रही, और 7वें महीने में उसका ऑपरेशन हुआ। फाइनली जाके भारत आ गए, हम सिंगापुर से भारत आ गए, और फाइनली फिर वो 1.25 महीना NICU में रही, और दोनों बच्चे आज पूर्णतः स्वस्थ हैं। ये भावना योग का ही चमत्कार है, मैं कहूँगा सच में। बच्चों की माँ को बोलो अपना अनुभव शेयर करें। मेरा अनुभव दोनों तो बच्चों को दिखा दो। हाँ, बहुत बोलो। हाँ, जो उस माँ पर क्या बीतेगी जब उसे ये बताया जाता है कि 5वें महीने का बच्चा जो 600 ग्राम का है उसे निकाल लो,
एक स्वस्थ था और एक अस्वस्थ थी। सिंगापुर जैसे अच्छे बड़े से बड़े इतने बड़े कंट्री में जाकर के भी अगर डॉक्टर ये कहता है कि एक गुड़िया नहीं बच सकती और आप भारत चले जाइए क्योंकि आप नहीं यहाँ पर उसे बचा पाएंगे या इस इतना खर्च नहीं उठा पाएंगे, तब जब गुरुदेव से बात हुई हमारी तब उन्होंने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, आप सिर्फ भावना योग करें, 3 बार करें और पूरी श्रद्धा के साथ करें, जरूर अगर उसकी आयु शेष है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद अगर कोई 1 परसेंटाइल पर ग्रोथ कर रही है उसके बाद भी बाहर आने के बाद या डॉक्टर्स सिंगापुर के ये कहते हैं, ये चीज़ को देख करके आश्चर्य होते हैं कि जिसे हमने 7 से 10 दिन का टाइम दिया था वो कैसे बढ़ी, 2 महीने 3 महीने जितना समय हमारा आगे बढ़ा वो कैसे निकला पता नहीं मुझे क्या क्या हुआ उस समय चमत्कार की। डॉक्टर्स खुद हैरान थे कि वो बच्ची जिंदा थी गर्भ में और बाहर आने के बाद भी उसे कोई किसी भी तरह की फॉल्ट नहीं था, कोई ऑर्गन किसी चीज़ में नहीं वो निकला कि वो हुआ। तो मैं यही कहूँगी कि दोनों स्वस्थ निकले और उस समय भावना योग और गुरुदेव का आशीर्वाद, सिंगापुर में चंद्र प्रभु भगवान का आशीर्वाद अगर नहीं होता तो आज ये दोनों बच्चे स्वस्थ नहीं होते। मैं सबसे यही कहूँगी कि गर्भवती महिला हमेशा आप चाहे कुछ भी हो 10 मिनट का छोटा सा भावना योग होता है वो अपने जब भी आप कम से कम 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार कर सकते हैं उसे ज़रूर करें, उससे पॉजिटिविटी रहती है और उसे ज़रूर करना चाहिए, बहुत ताकत है उसमें। देखिए बंधु ऐसा एक नहीं सैकड़ों लोगों का अनुभव है, डॉक्टरों ने अबॉर्शन करने की सलाह दे दी, ऑपरेशन करने की सलाह दे दी, कईयों का तो बड़ा बच्चों का हार्ट बीट ही नहीं है लेकिन उनने भावना योग किया और आज अपने पूरी तरह से सक्षम समर्थ संतान युगल को जन्म दिया। देख 2-3 केस तो ऐसे आए जिनके 4th-5th महीने में ब्लीडिंग शुरू हो गई, उनके भी ट्विंस हुए। तो ये अनुभव है, आप इस अनुभव को सामने देखिए और इसे अपने जीवन का अनुभव बनाइए, सश्रद्धा इसे अपनाइए, न केवल स्वयं कीजिए अपितु औरों को भी प्रेरणा दीजिए। एक बार कपिल और प्रियम का जोरदार अभिनंदन और उन दोनों बच्चों के लिए अपनी शुभकामनाएं देते हुए जोरदार अभिनंदन करें। बोलिए प्रमाण सागर जी महाराज की जय। अपना प्रश्न गुरु चरणों में रख रहे हैं मनु जैन, भोपाल, विपुल जैन, मऊ और सब पूरी युवा टीम जो मुनि सेवा में निरंतर लगी हुई है और इनके बाद तैयार रहेंगे रत्नेश जैन जी दुबे, गजेंद्र जी मित्तल, विजय जी जैन, राहुल जैन एवं पूरी RSS टीम। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि दिवाली का जैन धर्म में क्या महत्व है और भगवान महावीर के मोक्ष के प्रति प्राप्ति का दिवाली से क्या संबंध है। देखिए दीपावली भारत का एक बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है, ये एक लोक पर्व भी है और एक धार्मिक पर्व भी है। लोक पर्व तो इस अर्थ में है कि रामचंद्र जी संपूर्ण भारतवासियों के हृदय सम्राट रहे, मर्यादा पुरुषोत्तम रहे और उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त करके जब पहली बार अयोध्या आए तो पूरे देश के अंदर हर्ष की लहर उत्पन्न हो गई और लोगों ने उस दिन दीपावली मनाई, तो जैन भी उसमें सम्मिलित रहे क्योंकि जैन परंपरा में भी श्री राम का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जैन परंपरा में रामचंद्र जी को 8वें बलभद्र के रूप में माना जाता है और उनको मांगी तुंगी से निर्वाण उपलब्धि के रूप में मोक्ष पुरुष के रूप में माना जाता है। तो रामचंद्र जी हमारे सलाका पुरुष हुए, मोक्षगामी महापुरुष हुए जिन्हें मांगी तुंगी के शिखर से निर्वाण की उपलब्धि हुई। तो रामचंद्र जी संपूर्ण भारत के हृदय सम्राट रहे और उनके भारत आगमन वापस अयोध्या आगमन पर
सबने हर्ष मनाया तो जैनी कैसे पीछे रहते। जैनियों ने भी उसी उमंग और उल्लास के साथ हर्ष मनाया जैसे आम लोग मनाए। इसलिए मैं दीपावली को एक लोक पर्व के रूप में देखता हूँ और जैनों को इसे ऐसे ही लोक पर्व के रूप में पूर्ण उत्साह के साथ मनाना चाहिए। प्रकाश पर्व करते हैं और फिर दीपावली के साथ बहुत सारी कथाएं जुड़ी, लक्ष्मी गणेश के परिणय की बात जुड़ी। जैन धर्म के अनुसार ये कैसे सुसंगत होती वो बात भी मैं आप सबसे करना चाहूँगा। जैन धर्म की दृष्टि से एक दूसरी बात ये जुड़ी कि दीपावली के दिन ही भगवान महावीर को निर्वाण की उपलब्धि हुई और भगवान को निर्वाणोपलब्धि हुई इसलिए उनके निर्वाणोपलब्धि के अवसर पर सभी जैन लोग प्रातःकाल भगवान का निर्वाण कल्याणक महोत्सव मनाते हैं, लाडू चढ़ाते हैं। और जिस दिन निर्वाणोपलब्धि हुई उसी दिन उनके गणधर जिन्हें गणेश कहते हैं, गणेश गणपति, गण यानी संघ कहलाता है जैन धर्म के अनुसार, और गण के पति गणधर कहलाते हैं, उन्हें ही गणेश भी कहते हैं। वो बुद्धि के देवता कहलाते हैं, गणेश को बुद्धि के देवता के रूप में जाना जाता है। और जैन धर्म में तीर्थंकरों के जो गणधर होते हैं वो बुद्धि आदि समस्त रिद्धियों के अधिपति होते हैं। इसलिए हम जैन धर्म में गणधर को ही गणेश, गणपति, गणनायक, विनायक और गणधर के रूप में जानते हैं, बुद्धि के देवता के रूप में जानते हैं। उस बुद्धि के देवता को उसी दिन शाम को केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति हुई तो गणेश का लक्ष्मी के साथ सुयोग बना। इसलिए आज दीपावली में आप लोगों के यहाँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, गणेश की पूजा की जाती है। जैन धर्म में ऐसे किसी मूर्त लक्ष्मी या गणेश की मान्यता नहीं है, लेकिन गणधर गणेश, गौतम गणधर रूप गणेश की और उन्हें प्राप्त ज्ञान लक्ष्मी की आराधना की जाती है। और इसीलिए घर में दीप जलाया जाता है, शाम के समय में जैसे और लोग जलाते हैं वैसे दीप जलाते हैं। 64 रिद्धि के प्रतीक, 16 दीपक में चार चार बाती, 16 कारण भावना के प्रतीक 16 दीपक, और प्रत्येक दीपक में चार चार बाती लगाते हैं जो 64 रिद्धियों के द्योतक होते हैं और उसे उस तरीके से करते हैं। तो जो धार्मिक मान्यताएं हैं उन्हें धार्मिक तरीके से हमें अपनाना चाहिए और जो लोक मान्यता है उसे हमें लोक मान्यता के अनुसार करना चाहिए। ये बात कहना कि जैनियों का दीपावली से कोई संबंध नहीं है गलत बात है। जैनियों का दीपावली से वही संबंध है जो आम जन का है, क्योंकि दीपावली भगवान महावीर के पहले भी मनाई जाती रही है और रामचंद्र जी बहुत पहले हुए, वो मुनि सुब्रतनाथ भगवान के काल में हुए, तब से मनाया गया है और जैनियों ने उसे बहुत उत्साह के साथ मनाया। तो दीपावली मनाइए, खूब उत्साह के साथ मनाइए। पर आपने प्रसंग छेड़ा है तो मैं कुछ सलाह भी दूंगा। दीपावली में आप लोग साफ सफाई करते हैं और चीज़ें करते हैं वो अपनी कहानियाँ हैं, लेकिन दीपावली में किसी भी प्रकार का व्यसन न करें। बहुत सारे लोग जुआ खेलते हैं, ये पाप है, ये दुर्गति का कारण है, पतन का है, तो इससे बचना चाहिए। इसी तरह आतिशबाजी, बम फटाके का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये पूरे के पूरे प्रकृति के सेहत के विरुद्ध है, पर्यावरण के खिलाफ है, इससे अनेक प्राणियों को घात पहुंचता है। कितने पक्षी अकाल मौत के कारण बन जाते हैं, कई के तो गर्भपात भी हो जाते हैं और कईयों ने अपनी आंखें भी खो दी। ये हिंसा के अट्ठास से आनंद मनाना कतई उचित नहीं है। हमारे देश में दीप जलाना, प्रकाश फैलाना तो मान्य है, क्योंकि हम तमसोमा ज्योतिर्गमय की संस्कृति का अनुसरण करते हैं। हम प्रकाश फैलाएं लेकिन अट्ठास न करें। ये बम फटाका, बारूद, इस तरह का विस्तार कतई उचित नहीं है। इस पर लोगों को सोचना चाहिए, सरकार और अन्य सामाजिक संगठन भी इसके लिए लोगों को बार बार प्रेरित करते हैं कि इस तरह के कृत्यों से बचे, क्योंकि इसके दुष्परिणाम बहुत भयानक आ रहे हैं। दिल्ली जैसे महानगर में तो इसके कारण प्रदूषण का लेवल बहुत खराब हो जाता है,
सब छोटे बड़े शहर में ऐसा होता है, तो आतिशबाजी से बचना चाहिए। आतिशबाजी का क्या आनंद मुझे समझ में नहीं आता, मुझे तो लगता है लोग अपने रुपयों को जलाकर खुश हो रहे, पैसे जला रहे, इसकी ज़रूरत क्या है? आतिशबाजी करने की जगह आप दीपावली मनाना चाहते हो तो मैं आपको सलाह देता हूँ, दीपावली के दिन शाम को घर से निकलो, अपनी गाड़ी में अपने बच्चों को रखो, मिठाइयों के कुछ डब्बे अपने साथ रखो, स्लम एरिया में चले जाओ, कुछ दीप अपने साथ रखो, उस घर चले जाओ जिस घर में दिया न जला हो, उस घर चले जाओ जिस घर में मिठाई ना आया हो, और उस घर में जाकर अपने हाथ से दीप जलाओ, उनके बच्चों को मिठाइयाँ खिलाओ, फिर देखो तुम्हारी दीपावली कितनी उत्तम दीपावली हो। वो सांस्कृतिक तरीके से मनाइए, आप प्रकाश फैलाइए, आनंद मनाइए कदाचित, लेकिन ऐसे कार्यों से नहीं जिससे प्रदूषण फैलते हो। और बहुत बहुत उपाय है, साज सज्जा करिए, इको फ्रेंडली व्यवस्थाएं कीजिए, लेकिन जिससे किसी भी प्रकार की हिंसा होती हो, प्रदूषण फैलता हो, उनसे बचिए। मैंने कई लोगों को देखा, एक सज्जन है जिसकी एक आंख आज पत्थर की लगी है, अनारदाना लगाया जलाया, बहुत देर से जला नहीं, झांका फट से वो अनारदाना चला गया, जल गया, वो एक आँख खो गई। न जाने कितनों के साथ हर साल कितनी दुर्घटनाएं घटती है, उसके बाद भी लोग नहीं चेतते। मैं तो अपने से जुड़े तमाम लोगों से कहूँगा कि आप इस संदेश को आत्मसात कीजिए और इस प्रकार की आतिशबाजी से बचिए, खुशियाँ मनाइए, खुशियाँ बांटिए, किसी के खुशी में खलल मत डालिए। हमारी दीपावली का यही संदेश, आनंद से भरने का संदेश। कोई भी प्राणी अगर किसी भी कारण से परेशान हो, पीड़ित हो, तो हिंसा है। हमारी दीपावली अहिंसा की ज्योत जलाने वाली दीपावली है, हिंसा का कृत्य करने वाली नहीं। तो उसी तरीके से सभी दीपावली मनाएं तो एक अच्छा संदेश सभी को जाएगा। आरएसएस टीम अपना प्रश्न रखे, उसके पूर्व मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्रीमान कोमल चंद जी, विनीता जी जैन कटनी से, और श्रीमती सुनीता जी जैन पिपराई से, जो कि परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था के बहन और बहनोई हैं, और धर्म प्रभावना समिति इनका मंच पर ही सम्मान कर दें। हाँ, आ जाए जब तक सवाल कर लो, जब तक आरएसएस टीम अपना प्रश्न रखें और आगे तैयार रहेंगे अजय जी अहिंसा। पूज्य मुनि श्री, पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, नमोस्तु, और मंच पर उपस्थित अन्य मुनिश्री के भी चरणों में प्रणाम। सर्वप्रथम 20 अक्टूबर 2024 रविवार प्रातः स्वयंसेवक परिवारों को आपका आशीर्वचन और आपका मार्गदर्शन मिलने वाला है। हमारे कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने आपसे आग्रह किया और आपने उस अनुरोध को, उस निवेदन को स्वीकार कर हम पर कृपा की, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। एक प्रश्न आपके चरणों में रखना है। हमारे भारतवर्ष को स्वतंत्र होने को, स्वाधीन होने को 77 वर्ष के लगभग हो चुके हैं, और हमारे संविधान निर्माताओं ने प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार और समान कर्तव्य निर्धारित किए, समानता की बात की। अधिकार तो सब ले ही लेते हैं, लेकिन संपूर्ण समाज जो नागरिक अनुशासन है उनका पालन करने में बहुत पीछे रहता है। तो नागरिक अनुशासन के पालना में आपका समाज के लिए कुछ मार्गदर्शन मिलेगा तो उचित होगा। नमस्ते। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने उपस्थित की है। पहले तो आप लोगों ने मुझसे निवेदन किया कि महाराज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी कार्यकर्ताओं को परिवार सहित आपका उद्बोधन मिले। संघ हमारे राष्ट्र के विकास के लिए बहुत अनुकरणीय कार्य कर रहा है, और ऐसे लोगों को यदि किसी प्रकार का संदेश दिया जाए तो मैं मानता हूँ ये संदेश राष्ट्रव्यापी बनकर राष्ट्र के हितों की रक्षा करेगा। और हमने इसी भाव से आप लोगों के अनुरोध को स्वीकार करके इस कार्यक्रम की सम्मति दी है, और ये कार्यक्रम बहुत बृहद आयोजन है जैसे मुझे जानकारी मिली। मैं समस्त श्रद्धालुओं से भी कहूँगा इस कार्यक्रम में आप सबकी भी सहभागिता
पूरी तत्परता और उमंग के साथ होनी चाहिए, बढ़ चढ़ करके आपकी सहभागिता होनी चाहिए। आपने जो सवाल किया नागरिक अनुशासन के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण, देखिए व्यक्ति के अंदर नागरिकता तो होनी ही चाहिए और नागरिक अगर अनुशासित होंगे तभी हम अपने राष्ट्र और समाज को सही अर्थों में सुरक्षित रख पाएंगे और उसके सौंदर्य को अखंडित रख पाएंगे। जहाँ तक राष्ट्र के विधान का सवाल है, मैं इस बात का स्पष्ट रूप से इस बात पर अपना अभिमत प्रकट करता हूँ, एक राष्ट्र एक कानून होना चाहिए, सबके साथ एक समान भाव होना चाहिए, समानता का भाव होना चाहिए, समानता का अधिकार होना चाहिए और समानता के साथ ही सबको लेकर चलना चाहिए। नागरिकों के अंदर अपने नागरिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता होनी चाहिए और उन्हें अपने राष्ट्र के हित को सर्वोपरि मानकर चलने की कोशिश करनी चाहिए। जैन धर्म में सदैव इस बात पर बल दिया गया कि राष्ट्र हित के लिए आप सर्वोपरि स्थान दीजिए, आत्महित से ऊंचा राष्ट्रहित है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं और ये बात पूरे विश्व में जानी चाहिए, जैन धर्म में मुनियों के लिए ऐसा कहा गया कि कोई मुनि मुनि बना है तो कुछ खास कारणों के उपस्थित होने पर वह अपनी मुनि मुद्रा को छोड़कर वापस गृहस्थ हो सकता है। उसमें उसकी अस्वस्थता होने पर, परिवार को उसकी आवश्यकता होने पर, शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम हो जाने पर, ये सब कारण तो बताए, लेकिन एक सबसे विशिष्ट उल्लेखनीय कारण राष्ट्र को उसकी आवश्यकता होने। एक मुनि यदि प्रतिभाशाली मुनि है, प्रभावशाली मुनि है, प्रतापी और पराक्रमी मुनि है, अर्ग कर सकता है। ये बात आपको अन्यत्र देखने को नहीं मिलेगी और ऐसा अतीत में हुआ भी है। आपके उज्जैनी में एक घटना घटी, एक राजा था, नाम मैं भूल रहा हूं, चंड प्रद्योत, वो बड़ा आतताई था, दुराचारी और विलासी किस्म का था। उसने क्या किया, एक साध्वी को अपनी रानी बना दी। चंड प्रद्योत राजा ने जब एक साध्वी को अपनी रानी बनाया, इससे पूरे राष्ट्र के लोग बहुत दुखी हुए, पर उसके डर से कोई कुछ बोलने को हिम्मत नहीं रखता। तो उसी समय एक दूसरे मुनि थे जो कभी उज्जैनी के सेनापति होते थे, वो मुनि बन गए, नाम मैं भूल रहा हूं, नागहस्ती नाम था यार, आचार्य सुहस्ती नाम मैं भूल रहा हूं, इतिहास की बात है। उनको जब मालूम पड़ा तो उन्होंने अपना मुनि पद छोड़ा और उज्जैनी के राजा के मंत्री बने और उसके बाद चंद प्रद्योत पर सदल बल चढ़ाई करके राज्य को मुक्त कराया, उसे बंदी बनाया और जो साध्वी थी उसे मुक्त कराकर वापस दीक्षा धारण की। ये जैन धर्म की पहचान है और राष्ट्र को हमेशा हमेशा के लिए आजाद करा। तो नागरिक कर्तव्य क्या है इसे हमें अच्छे से समझना चाहिए और नागरिकता को आत्मसात करना। मुनिश्री के परिजनों के सम्मान में एक बार जोरदार करतल ध्वनि कर दें आप लोग और अपना प्रश्न रख रहे हैं अजय जी हैंसा और इनके बाद तैयार रहेंगे महेंद्र संध्याजन महेंद्रगढ़ से। Thank you.
ओ पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में नमोस्तु करता हूँ। जोरदार अभिनंदन। हाँ बोलो गुरुदेव। मैं दो पंक्तियाँ बोलता हूँ। रानी भाभी कह रहे हैं ये कविता सुना दो लाइन की, वो कह रहे हैं सुना दो। मैं दो मिनट की जो शंख का समाधान के पहले मैंने लिखा, शंख बजाने का प्रयास किया है और फिर छोटी सी ये है शंका समाधान। मुनि प्रमाण सागर जी का ज्ञान, एक एक प्रश्नों के उत्तर सा प्रमाण। ये है शंका समाधान। गुणायतन प्रणेता, भावना योग प्रणेता, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के पावन चरणों में त्रिवार पूर्वक नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अटेंशन प्लीज यात्रीगण, ध्यान दे। संसारपुर से मोक्ष मार्ग की ओर जाने वाली प्रमाण सागर एक्सप्रेस अपनी निर्धारित समय से चल रही है। जिस किसी यात्री को संसारपुर से मोक्ष मार्ग की ओर जाना हो वो संयम रूपी टिकट लेकर अपनी सीट आरक्षित करा लें। ये गाड़ी उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत सो संयम तप त्यागाकिंचन ब्रह्मचर दस धर्मों से होते हुए सम्मेशिखर गुणायतन आदि सिद्ध क्षेत्र अस्य क्षेत्रों से होते हुए मोक्ष मार्ग की ओर जा रही है। एक विशेष हिदायत यात्रीगण, ध्यान दें। मानी छली कपटी घमंडी स्वादिष्ट भोजन करने वाले तथा मखमल की गद्दी पर बैठकर के धर्म चर्चा करने वाले टिकट की लाइन पर खड़े ना हों। धन्यवाद। और अंतिम वो हमारे राहुल भैया सुबह से लगे हैं। सचिन जी की दो पंक्तियां सुना करके छोटा सा प्रश्न पूछता हूँ। तुम दो पंक्तियां ही सुना दो। जिस दिन ऐसे चंदन जैसे शीतल गुरु के गीत न गाऊंगा, अरे सच कहता हूँ दुनिया वालों मैं मर जाऊंगा। अरे सच कहता हूँ मानव जीवन व्यथा गवाऊंगा। मेरे गुरुवर ज्ञान गंग की गागर हैं, मेरे गुरुवर करुणा समतक सागर हैं, मेरे गुरुवर जब देखो जप करते हैं, मेरे गुरुवर जब देखो तप करते हैं। जिस दिन ऐसे हितोपदेश के गीत न गाऊंगा, अरे सच कहता हूँ दुनिया वालों मैं मर जाऊंगा। और गुरुदेव मेरा छोटा सा ये प्रश्न है कि हे गुरुदेव, आप भावना योग, आपने इतनी सारी कृतियाँ लिखी, अंतस की आँखें, दिव्य जीवन का द्वार, जैन तत्व विद्या और गुणायतन में कितने आप हर जगह इतनी सेवा दे रहे हैं, और पूरा जैन नहीं, जैन के साथ अन्य जैन समाज भी ये कहती है कि जैन समाज के श्रेष्ठ साधुओं में आचार्य विद्यासागर महाराज जी की परंपरा के श्रेष्ठ साधुओं में आपका नंबर है। मगर गुरुदेव लोग कहते हैं कि सबसे बड़े बहुत बड़े संत हैं आचार्य पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज, लेकिन जब आपके चरणों में आता हूँ मैं 1990-92 में आपके साथ पैदल चला, आपके साथ खूब चला, मगर आज भी वही देखता हूँ कितनी सहजता और आपके पास सरलता है। कभी आप अपने भक्तों को डांटा नहीं, कभी क्रोध नहीं करते, कभी गुस्सा नहीं करते गुरुदेव। तो ये हुनर आपने कहाँ से सीखा है? ये हुनर काश सब में आ जाए, हम सब में आ जाए, तो हमारा कैसे जीवन धन्य हो। नमोस्तु गुरुदेव। ओ देखो बहुत अच्छी बात आपने की है, ये हुनर आपने कहाँ से सीखा है। देखो एक ही बात ध्यान में रखो, जो व्यक्ति एक बार अपने आप को गुरु की शरण में समर्पित कर देता है उसका सर्वस्व अर्पित हो जाता है, और जब सर्वस्व अर्पित होता है तभी उसका निर्माण शुरू होता है। इसलिए मैं तुम्हारी बात का उत्तर दो पंक्तियों से दूंगा। न कुछ हंसकर सीखा है, न ही कुछ रोकर सीखा है। न कुछ हंसकर सीखा है, नहीं कुछ रोकर सीखा है। जो कुछ थोड़ा सा सीखा है गुरु का होकर सीखा है, गुरु का होकर सीखा है। हो जाओ सब काम हो जाएगा। आखिरी सवाल। हाँ नमोस्तु भगवान। महेंद्र संध्या जी मनेंद्रगढ़ जी। मुनि द्वय के चरणों में मनेंद्रगढ़ जैन समाज की ओर से महेंद्र जैन, संध्या जैन, हर्षित जैन,
प्रियाजन और पोते मनन जन के नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि हमारे 24 तीर्थंकर जो विभिन्न कालों में हुए हैं और सबके पंच कल्याणक भी हुए और पंच कल्याणक के समय पर सौधर्म इंद्र और अन्य देवतागण होते हैं, तो क्या सभी तीर्थंकरों के एक ही इंद्र और कुबेर और सौधर्म होते थे या सबके अलग अलग? देव से महावीर पर्यंत एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष बीता, 42,000 वर्ष कम, एक कोड़ा कोड़ी सागर बहुत होता है और सौधर्म इंद्र की अधिकतम आयु 250 सागर है। तो ऐसे ऋषभ देव से महावीर भगवान तक कोड़ा कोड़ी सौधर्म इंद्र चले गए हों, समझ गए, इसलिए उतनी आयु नहीं, वो आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, चलता जाता है। हाँ, प्रदीप काशलीवाल सूरत से हैं, उनको भी बुला लीजिए आखिरी सवाल के लिए, ठीक है? एक और बस एक ही अभी जैन तत्व ओम। हाँ प्रदीप जी काशलीवाल अपना सूरत उपस्थित है, हाँ दीजिए प्रश्न रखें। हाँ उनका बेटा पूछेगा प्रश्न, दीजिए आगे आ जाओ। सामने आ जाओ। हाँ मेरा नाम वियान है, मैं सूरत से आया हूँ। ओ बोलो। महाराज श्री के चरणों में हम सबको नमोस्तु कहते हैं, चुल्लक जी को छावनी कहते हैं और माता जी को वंदनामी कहते हैं। हम सबको अलग अलग क्यों कहते हैं? देखो सबका प्रोटोकॉल होता है, समझ गया? ठीक है, महाराज जी इसलिए उनको नमोस्तु कहते हैं, आयरिकाएँ इसलिए उनको वंदामी कहते हैं, ठीक है, छुल्लक जी को छुल्लक जी इच्छामी कहते हैं और भैया जी लोगों को वंदना कहते हैं, आपस में जय जिनेन्द्र बोलते हैं, जो जिस लायक है उसको वही बोला जाता है, समझ गए? ठीक है ना, ये एक प्रकार का प्रोटोकॉल है। मुनि महाराज पंच परमिष्ठी के अंग है इसलिए उनको नमस्कार किया जाता है, आयरिकाएँ मोक्ष मार्ग का अनुकरण करती है इसलिए उनका उनकी वंदना की जाती है, छुल्लक जी एलक जी श्रावक है और वो मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं इसलिए इच्छामी करके उनके पद की सराहना की जाती है, उनको सम्मान दिया जाता है और आपस में जय जिनेन्द्र बोलकर अपने साधर्मी वात्सल्य को जगाया जाता है, समझ गए? आज के सत्र को यहीं पर विराम, बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु जय 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 बोले। कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जयंती परिवार अलवर राजस्थान,